क्वेश्चन नंबर 5 वेरीफाई दैट वेरीफाई दैट फर्स्ट ऑफ ऑल माइनस 5 लीजिए जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 5। आपको वेरीफाई करना है कि माइनस 5 इस पॉलीनोमियल का जीरो जीरो है, तो कैसे वेरीफाई करेंगे? देखिए यहाँ पर पी एक्स इज गिवन एक्स प्लस 5, यदि माइनस 5 रखने पर इसकी वैल्यू जीरो आ जा रही है तो हम ये कह सकते हैं कि माइनस 5 इस पॉलीनोमियल का जीरो है। नाउ चेक हियर द वैल्यू ऑफ द पॉलीनोमियल एट एक्स इक्वल टू -5 इक्वल टू जीरो इक्वल टू जीरो। राइट हैंड साइड इक्वल आ रहा है, राइट हैंड साइड की वैल्यू क्या दे रहा है? जीरो। जीरो मीन्स इट मीन्स therefore we can say minus 5 is a zero of x plus 5। ठीक है ना, इस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी का सेकंड पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का है वेरीफाई करने के लिए। 2/5 is a जीरो ऑफ कितना रख दिया जाए? क्वेश्चन दिया है पी एच इक्वल टू -5। इसको वेरीफाई करिए। देखिए पी एक्स इज 2 -5x। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलीनोमियल एट x इक्वल टू 2/5। 2/5 2 -5 5 कैंसिल, 2 - 2 इक्वल टू जीरो, रियल जीरो आ गया। इट मीन्स 2/5 इज ए जीरो ऑफ 2 - 5x। ठीक है, इस तरीके से वेरीफाई हो गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Find the zero of the polynomial. Now question number 6. Find the zeros of the polynomial. Find the zeros of the polynomial. Zeros of the polynomial in each of the following. First part, px equal to x minus 4. Second, gx equal to 3 - 6x. Third is 2x minus 7. Fourth is gy equal to 2i. Fifth is px equal to ax, where a not equal to 0. And last part is px equal to x plus cx plus d, where c not equal to 0, c and d are real number। ठीक है, यहाँ आपको जीरोस फाइंड करने हैं। ठीक है, हमने क्या बताते, जब भी जीरोस फाइंड करना है आप इस पॉलीनोमियल को किसमें लिख देंगे? पॉलीनोमियल इक्वेशन में लिखेंगे। तो यहाँ से पहला पार देखिए, फॉर जीरो
you can write here px equal to 0. This is the polymer equation. Then x minus 4 equal to 0, it implies that x equal to 4. ये आपका आंसर हो जाएगा. इस पॉलीनोमियल का ये 0. ठीक है, ऐसे आप सेकेंड भी सॉल्व कर सकते हैं. सेकेंड 0, 3 माइनस सी एक्स इक्वल टू 0, देन माइनस सी एक्स इक्वल टू, इसको ट्रांसफर करिए, माइनस 3 माइनस माइनस कैंसिल, x इक्वल टू 3 बाई 6, दैट इज 1 बाई 2. सिमिलरली थर्ड पार्ट फॉर 0 वी कैन राइट हियर 2x माइनस 7 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू, इसको ट्रांसफर करेंगे साइन चेंज 7, देन x इक्वल टू 7 अपॉन, ठीक है. फोर्थ पार्ट में देखिए, फोर्थ पार्ट में आपको लिखा हुआ है जी वाई इक्वल टू 2y. जी वाई को जब आप 0 करोगे, इन इंप्लाइज दैट 2y इक्वल टू 0, देन y इक्वल टू 0 अपॉन 2, 0 को किसी भी रियल नंबर डिवाइड करेंगे दैट इज 0, सो आंसर इज 0. इस पॉलीनोमियल का ये 0 हो जाएगा. ठीक है, इसमें दो अलग टाइप के जैसे क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ एंड सिक्स्थ पार्ट. फिफ्थ और सिक्स्थ पार्ट में, इन फिफ्थ पार्ट पी एक्स इक्वल टू ए एक्स, यहाँ पे देखिए पार्ट 0, यहाँ लिखा ए नॉट इक्वल टू 0, मीन्स ए 0 नहीं है और 0, पी एक्स इक्वल टू 0, इट मीन्स ए एक्स इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू 0 अपॉन a, इसलिए यहाँ लिख दिया गया a 0 नहीं है. तो a 0 को छोड़ के कोई भी रियल नंबर यदि है, जिसका रेट क्या आएगा 0, सो 0 जवाब दिस पॉलीनोमियल इज 0. एंड लास्ट सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0, देन सी एक्स इक्वल टू माइनस डी, एंड x इक्वल टू माइनस डी अपॉन सी, इसका 0. ठीक है, तो ये जिस टाइप का क्वेश्चन आज हमने आपको प्रैक्टिस करा दिया है, इसी टाइप के दो एक्सरसाइज दिए गए हैं आपके एनसीईआरटी बुक में, दोनों आप होमवर्क उसी में से आप लोग सॉल्व करिएगा. ओके, थैंक यू.